हेलो माय ट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज फाइनली आज हम रखे हैं इंडिया गेट घूमने के लिए, और भाई बहुत ही बड़ा व्यू आने वाला है यहाँ का जैसा भी है। और गाइज पता है मैंने ना ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करा है, मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था घर से। और भाई ये चेक करो यहाँ का व्यू, देख रहे हो भाई साहब, ये हैं कुछ नज़ारे यहाँ के। आलम भाई ये चेक करो, सामने इंडिया गेट है, यहाँ से भी थोड़ी सी दूर है। और भाई इतनी प्यारी लोकेशन है ना भाई, भाई क्या ही बताएं तुम्हें, एक नंबर। तो गाइज कुछ देर में हम पहुंचने वाले इंडिया गेट, हमें ना यहाँ से दिखाई दे रहा लेकिन काफ़ी दूर है। और गाइज इतनी प्यारी लोकेशन है ना, बहुत ज़्यादा प्यारी, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं आया मैं तो, बहुत बार इंडिया गेट आया हूँ लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, तो उससे ना इंडिया गेट का फर्स्ट ब्लॉग रहने वाला है। वैसे मैं आपसे पहले यहाँ पर बहुत बार आया हूँ लेकिन आज पहली बार वीडियो के साथ, तो बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत अच्छा रहने वाला हमारा ब्लॉग। कुछ देर में पहुँचने वाले इंडिया गेट, ये चेक करो भाई यहाँ का व्यू, इतना प्यारा व्यू है ना भाई। भाई कुछ तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब कोई कूड़ा वूड़ा कुछ है ही नहीं भाई, इतनी साफ सफाई और इतनी शांति, वाह क्या बात है। तो गाइज ओनली 5 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं इंडिया गेट, और भाई यहाँ की यार लोकेशन को देख के ना सच में ये है मेरा भारत। कहते हैं ना कि भारत में कुछ नहीं है, भाई मुझे लग रहा है जितना भारत में इतना और कुछ भी नहीं है। आलम भाई नहीं कुछ नहीं है भाई, ये हमारा भारत, मेरा भारत महान, यस। तो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट। तो भाई अभी है ना हमें इंडिया गेट पे पहुंचने वाले थे, बट यहाँ पे एक हाईवे है वो क्रॉस करना है नीचे से, और हम जा रहे हैं यहाँ पे है अभी आलम भाई, उसके बाद हम पहुँचेंगे इंडिया गेट के जस्ट बिल्कुल सामने, क्योंकि वहाँ पे ना वहाँ का भी हुआ जो मज़ा आता है जो भी है। तो भाई यहाँ से क्रॉस करना है ये हाईवे के नीचे से, भाई बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे आलम भाई, भाई साफ़ सफाई बहुत है गाइस यहाँ पे, मतलब एक नंबर भाई, मज़ा आ गया जैसा इंडिया गेट। और ये चेक करो भाई ये अंडरग्राउंड रोड के नीचे जा रहे भाई हम। तो फाइनली गाइस हमने कर लिया रोड क्रॉस, और भाई हमने हाईवे क्रॉस कर लिया नीचे से, अभी हम आए थे और बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है हमारा फर्स्ट टाइम में। ये चेक करें भाई यहाँ का व्यू। आलम भाई थक गया भाई, थक गया आलम भाई, तो भाई थक चुके हैं कह रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और भाई ये देखो ये अपना इंडिया गेट, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ के कुछ नज़ारे। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट, और भाई आप मेरे पीछे व्यू चेक करें, इतना प्यारा व्यू है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। इंडिया गेट बहुत बार आया हूँ लेकिन भाई आपने कभी इंडिया गेट का मेरे यहाँ का ब्लॉग नहीं देखा हो, क्योंकि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब से पहले मैं आया था जब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करता था। भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, सच में एक अलग ही फीलिंग आ रही है, बहुत प्यारा पीछे व्यू और पीछे जनता, ये चेक करो। और गाइस आपको पास से कुछ दिखाते हैं, मतलब कितना प्यारा भाई, और इसके ना भाई जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इस पर पूरे इंडिया गेट पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में सारा, भाई इतना क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ तो है लिखा हुआ, भाई क्या नज़ारा है। तो गाइज ये है इंडिया गेट के बैक साइड में मूर्ति अपने सुभाष चंद्र बोस जी की, और यहाँ पे किसी स्कूल से टूर भी आ रखा है। ये चेक करें व्यू यहाँ का, तो गाइस अभी हम खड़े हैं इंडिया के बैक साइड में, और भाई यहाँ पे ना केरला से बच्चों का टूर आ रखा है, उनसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना, वो मतलब हिंदी समझ ही नहीं रहे हमारी कि क्या बोल रहे हैं हम क्या नहीं, ये चेक करें हमारे पीछे, इनको हिंदी नहीं आ रही है लेकिन कोई नहीं, इंडिया में रह रहे हो तो भाई हिंदी तो आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो। हिंदी क्यों, हिंदी आनी चाहिए ना भाई, अगर भारत में रह रहे हो तो हिंदी तो आनी चाहिए, क्योंकि भारत की लैंग्वेज तो हिंदी है। यूट्यूब चैनल सतेंद्र रोशन। तो भाई यहाँ पे ना केरला से टूर आ रखा है बच्चों का स्कूल का,
तो भाइयों ने मेरे सभी फ़ोटो क्लिक कराए थे, मतलब मैंने इनकी फ़ोटो एंड वीडियोस क्लिक कराए थे। और ये हमारे कुछ सर मतलब स्कूल से टूर आ रखा है, तो इनके फ़ोन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया था। अब बाकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने इनको बता दिया चैनल का नाम वगैरह। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट के दूसरी साइड में। ये हमारे एक सर हैं जो केला से टूर आ रखा है। व्हाट इज योर नेम? सानू। तो भाई बहुत अच्छा लगा इन सभी से मिलकर। केला के लोग हैं ये, केरल से यू फ्रॉम? केरला। अच्छा। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनसे मिलके। और अभी इनके एक फोटो क्लिक करना और एक वीडियो क्लिक करना है इंडिया गेट के नेक्स्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर से ना सनलाइट का थोड़ा इशू आ रहा था। तो अभी उस साइड से इनकी फोटो क्लिक करते हैं। फुल वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा ब्लॉग, तो बने रहिए। चलो भाई मिलेंगे कभी नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अरे ठीक है सर, ठीक है, बाय बाय। तो भाई सच में इतना बहुत अच्छा लगा केरल के लोगों से मिलके। आपने पीछे ब्लॉग में देखा होगा उनकी वीडियोग्राफी करी थी थोड़ी सी, एंड फोटो भी क्लिक करे थे उन्होंने। भाई कम से कम 20-30 सब्सक्राइबर मेरे केरल के हो गए हैं भाई। वो सारे वीडियो देख रहे हैं, सारे मतलब जितने भी थे सारे वीडियो देख रहे थे। मतलब यूट्यूब चैनल उन्होंने निकाला था, कह रहे किस चैनल पे ये वीडियो आएगा। भाई किसी को हिंदी नहीं आती ऐसे प्रॉपर, बस इंग्लिश ओनली। अब करते हैं भाई हम किसी के साथ कुछ प्रैंक वगैरह करते हैं, मस्ती वगैरह। बहुत टाइम हो गया इंडिया गेट पे घूमते हुए, मज़े काटते हुए, और थोड़े सा फन टाइप हो जाए कुछ, है ना। मम्मी कहाँ है? मम्मी तो घर है। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर। बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ पे घूमते हुए इंडिया गेट पे। एंड आलम भाई किधर गए, क्या हुआ? आलम भाई का एक मन था कि हम प्रैंक करेंगे किसी के साथ, लेकिन यहाँ कोई मिला ही नहीं। तो वही अभी हम जा रहे हैं घर। यहाँ से हाईवे क्रॉस करना, नीचे से उधर निकलना है, उसके बाद पकड़ने मेट्रो और फिर सीधा जाएंगे हम आलम भाई के रूम पे, या फिर मैं जाऊँगा घर आज। देखते हैं जो भी प्लान होगा ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये ब्लॉग तो मैंने आज यहीं स्टार्ट करा था इंडिया गेट पे, और शायद मैं घर भी जा सकता हूँ आज, देखते हैं, कन्फर्म नहीं है, या तो फिर कल या फिर आज पक्का। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, बस कुछ देर में निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से फिर हम रोड क्रॉस करते हुए उस साइड जाना है, फिर डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन, फिर सीधा घर। सो गाइस हमें ना इंडिया गेट पे बहुत टाइम से गोलगप्पे वाला देख रहे थे, लेकिन नहीं मिला, फाइनली अब मिल गया है। भैया कैसे दिए गोलगप्पे? 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये प्लेट, दो प्लेट लगा दो। तो गाइस ये आ चुका अपना गोलगप्पा, ब्लॉगिंग बाद में, पहले खाते हैं। तो गाइस फाइनली गोलगप्पे खा लिए, अब चलते हैं सीधा मेट्रो पकड़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा रूम पे, और उसके बाद घर आज जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि भाई शाम हो चुकी है, लाइट को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सुबह निकलेंगे अब हम घर। तो निकलते हैं मेट्रो स्टेशन। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने भाई के फ्लैट पर, राकेश भैया जी के यहाँ पर। ये रहा गौरव, और भाई आलम भाई चला गया, जैसे हम इंडिया गेट से आए थे ना वो अपने रूम पर चला गया था, मैं रास्ते में से यहाँ पर आ गया। तो भाई इंडिया गेट का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है वैसे, तो गाइस ये वाला ब्लॉग करते हैं बैंड, क्योंकि भाई अब ब्लॉग में इतना कुछ है भी नहीं, क्योंकि भाई अब खाना वाना हमने खा रखा है बाहर से जैसा भी है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग करते हैं पेंड। तो गाइज़ कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। गाइज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप देख पाएँ हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइज़ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और गाइज़ पता है कल जाने वाला हूँ मैं अपने घर, सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊँगा यहाँ से। बाय।